सुनील देशमुख और नाना गावंडे ये मिलकर स्वागत करें। मनिंदर जीत सिंह बिट्टा साहब का और दूसरा हाथ अविनाश पांडे जी के लिए इन दोनों की तरफ से रहेगा। बिट्टा जी ने पहले ही अविनाश पांडे जी के गले में हार डाल दिया। अविनाश भैया और अब सत्ता मेघे साहब के लिए एक हाथ नाना गावंडे साहब की तरफ से जी का एक अभूतपूर्व स्वागत करना है, एक ऐसा स्वागत करना है जो अविस्मरणीय। मौत का कफन सिर्फ बांधकर घर से निकला है, ऐसे व्यक्ति का स्वागत किया। साथियों, जब कभी भी कार्यक्रम होते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर मैं समझता हूं 23 स्टेटों में, राज्यों में मैं बिट्टा जी के साथ हुआ हूं। उन 23 राज्यों में कम से कम 36 रैलियां हम लोगों ने पिछले 18 महीनों में, बड़ी बड़ी रैलियां, लाखों की रैलियां। आज की ये आम सभा, मैं बताना चाहूंगा बिट्टा जी कि आज की ये आम सभा नहीं है, ये मात्र एक धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आपके लिए एकत्रित भीड़, ऐसे बुजुर्ग, ऐसे युवा साथी जो कि उतनी दूर नहीं आ सकते थे, उनको यहां पर बुलाया गया है। आज की आम सभा तो कस्तूरचंद पार्क में हम लेंगे और एक ऐसी सभा हम लेंगे कि उस सभा को देखकर उन देश विरोधी ताकतों को सचमुच में अपने दांतों तले उंगलियां चबाना पड़े कि आज भी इस देश में देशभक्त, आज भी कांग्रेस में राष्ट्र प्रेम प्रेमी ऐसे नवयुवक साथी पूरे उमंग के साथ, पूरे जोश के साथ उनका मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। साथियों, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब बिट्टा जी सभी चाहूंगा कि एक का चेन यहां पर बनाई जाए, सब लोग हाथ जोड़, हाथ एक से एक मिलाते हुए, और अब युवक कांग्रेस के इस अध्यक्ष से मैं प्रार्थना करूंगा कि आज, और सबसे बड़ी बात कि मुझे आगे के लिए इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस भारत माता की रक्षा के लिए जो काम करने का एक नया जोश दिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, आपका बड़ा धन्यवादी हूं। मेरे भाइयों, हर इंसान अपने अपने काम में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। कोई किस तरह की जिम्मेदारी निभाता है, कोई किसी ढंग से जिम्मेदारी निभाता है, और सबसे फख्र की बात यह है आज उस नागपुर की धरती में मैं आया हूं। यहां से कुछ ही दूर हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने देश की आजादी लड़ाई लड़ी थी, देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के कई प्रतिहों को और कई बार जेल भी काटी,
आज फख्र की बात है, नागपुर के लोगों के फख्र की बात है कि आज वो पीवी नरसिम्हा राव जी आज हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री। आज उस जगह पे आने का मुझे मौका मिला। मेरे भाई अविनाश जी बहुत कुछ मेरे बारे में बोल गए, मैं इस काबिल नहीं हूं। मेरी शुरू से तमन्ना इस देश की आजादी को बचाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए मेरी यह शुरू से तमन्ना रही है। इस देश को नई आजादी दी थी उनके पास में आ आप तिवारी जी हैं, हमारा भी कमेंट्री जो पूरा कंट संभाला अभी प्रमोद नायडू मनोज नीतीश आप जगदीश कोठारी हैं हमारे बहुत परमित बाबा राव जी बस बाबा बूढ़े।